नेक्स्ट आपका इरेजर टूल, दिस टूल यूज टू इरेज द लाइन या ऑब्जेक्ट ऑन अ स्टेज, टू यूज इरेजर टूल फॉलो द गिवन स्टेप। तो इस प्रकार काम को हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस इरेज टूल का क्रम आप देखिए इसका क्या वर्क होता है। ये मान लीजिए आप वर्क कर दिए, वर्क करने के बाद इसको कलर कर दीजिए और कलर करने के बाद इसमें से आप इरेज टूल का काम कर सकते हैं। इरेज का मतलब ही होता है मिटाना, तो ये काम आप कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे खींच सकते हैं, इसे खींच सकते हैं, ये आपका इरेज हो गया। इसी को हम बोलते हैं इरेज। इरेज इसी को बोला जाता है कि आप यहां से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे और बनाने के बाद इसको कलर कर देंगे और कलर करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ये क्या हो गया आपका, इरेज हो गया। ये जो वहां से हट गया वो आपका हो गया इरेज। तो दिस टूल इज टू इरेज द लाइन ऑब्जेक्ट और एन स्टेज, द टू इज इरेजर टूल फॉर द गिवन स्टेप। उसको कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द इरेजर टूल, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, द इरेजर मोड मॉडिफाइड एंड सिलेक्शन द रिक्वायर्ड इरेजर। जैसे आप पेप्सी बनाते हैं उस तरह का बना सकते हैं। क्लिक ऑन द इरेजर शेप मॉडिफाइड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स एरो, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, देयर आर डिफरेंट इरेज मॉडिफिकेशन। एक होता है इरेज नॉर्मल, इरेज फील्स, इरेज लाइन्स, इरेज सिलेक्टेड फील्स, इरेज इनसाइड। इन सभी का अपना अपना वर्क है। इरेज नॉर्मल इज टू इरेज और लाइन्स एंड फील्स व्हेनेवर द इरेजर इज मूव, जो इसका लाइन सब रहेगा उन सभी को फिल करने का काम करेगा। इरेज फील इज टू ओनली इरेज द फील कलर, जो केवल भरने लायक है उसको केवल भरेगा। उसके बाद आपका इरेज लाइन इज टू इरेज द स्टॉक, या क्या करेगा, जो आपका बना हुआ है उस काम को करेगा, जो स्टॉक है जो केवल लाइनिंग खींचने का। और एक है आपका इरेज सिलेक्टेड फील्स, इज टू इरेज सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके जो पार्ट्स बने हुए उनको कलर करने का काम करेगा। और अपना अगला है इरेज इनसाइड, इज टू इरेज इनर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अंदर का रहेगा उसको कलर करने का काम करेगा। सिलेक्ट द इरेजर शेप एंड साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी इच्छा के अनुसार से जिस इरेजर का वर्क है उस इरेजर को लेकर आप उस काम को करेंगे। अगला है क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द ऑब्जेक्ट टू इरेज, आप इस प्रकार से इरेज टूल का यूज कर सकते हैं और उसको कलर करने का काम सकते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्म है प्रेस ई टू इरेजर टूल कंट्रोल एन टू क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। अब आपका है कि क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन फ्लैश फॉलो द गिवन स्टेप। तो सबसे कोई जानता है कि जैसे ही फाइल मेन्यू में जाएंगे तो पहला मेन्यू होता है हम लोग का क्या, फाइल। यहीं से हम कोई चीज को ओपन कर सकते हैं नया, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर तीन काम कर सकते हैं, चार काम। ओपन मेन्यू के अंदर पहला फाइल आया, फाइल के अंदर नया फाइल खोल सकते हैं, आपका सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सब काम हम फाइल के अंदर से करेंगे। तो टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन फ्लैश फॉलो द गिवन स्टेप, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन द टाइप लिस्ट, क्लिक ऑन द ओके बटन। यू कैन ऑल्सो चेंज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एज योर पर योर रिक्वायरमेंट एंड नीड, आप अपनी इच्छा के अनुसार से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं। वो कहां से करेंगे, तो सबसे पहला मेन्यू होता है फाइल, वहां पे जाएंगे और वहां से हम इस काम को करेंगे। अब आपका है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, फ्रेम बाय नाम ही लग रहा है फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि फ्रेम बनाया हुआ है फ्रेम बाय फ्रेम। तो फ्लैश एनिमेशन आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लिटिल रिक्वायर्ड ट्रायंगल फ्रेम व्हिच आर कॉल्ड सेल्स, ये जो छोटे छोटे बने रहेंगे या ये जो फ्रेम हो गए इनको हम सेल ही बोल सकते हैं और ये फ्रेम का काम करेंगे। तो फ्लैश एनिमेशन आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लिटिल रिक्टेंगुलर फ्रेम, छोटे छोटे रिक्टेंगुलर फ्रेम बने होते हैं विच आर कॉल्ड सेल्स, इसको हम सेल बोल सकते हैं। दिस सेल्स अपीयर ऑन द टाइम लाइन, ये टाइम लाइन से सेटिंग होता है। की फ्रेम आर ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम, यू कैन एक्टिविटेड सम चेंज सच एज कलर पोजिशन शेप इटीसी, यू कैन क्रिएट द इमेज एंड ईच एवन एवरी फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन इन फ्लैश सॉफ्टवेयर। आप इस इमेज के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर आप फोटो डाल सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रिक्टेंगुलर का शेप बनाकर आप उसको काम कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्या करेंगे कि कोई सा पोजिशन उसका लेकर उसका कलर कर सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर डाल सकते हैं। अब आपका है कि यू कैन क्रिएट द इमेज ईच एंड एवरी फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन ऑफ फ्लैश सॉफ्टवेयर। एनिमेशन ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट, एनिमेशन में जो काम हम कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्राइंग का काम कैसे करेंगे, तो टू एनिमेट ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन स्टेप किस प्रकार से करेंगे, तो क्लिक ऑन द राइट ऑफ द की फ्रेम डाटा इन लेयर वन, की फ्रेम डाटा इन लेयर वन, इसको खूब अच्छी तरीका से देख लीजिए। ये आपका है की फ्रेम, ये बना हुआ है, यहीं से आपको लेना है, ये फ्रेम हो गया, ये सेल हो गया।
ठीक है। अब इसी पे इसका काम करना है, इसका नाम दिया गया है एनिमेशन ए ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। पहला जाएंगे की फ्रेम डाटा इन लेयर वन में, फिर जाएंगे ड्रॉ ए पोल स्टार ऑन द स्टेज एंड फिल इन द रेड कलर, फिर जाएंगे क्लिक ऑन इंसर्ट, उसके बाद टाइम लाइन, उसके बाद की फ्रेम, टू इंसर्ट ए की फ्रेम इन फ्रेम टू विथ ए कॉपी ऑफ सिक्स पोल स्टार। जैसे पोल स्टार बनाते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे इसका कॉपी भी हो सकता है, डबलिंग भी हो सकता है, कोई भी चीज करते हैं तो क्या करते हैं कॉपी करके दूसरा बना लेते हैं, उसका तीसरा बना लेते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। सिलेक्ट द पोल स्टार विथ टू विथ ए कॉपी ऑफ पोल स्टार या प्रेस F6, F6 की से भी आप कॉपी करने का काम कर सकते हैं। इंसर्ट ए की फ्रेम इन नेक्स्ट फ्रेम विथ कॉपी टू स्टेज, उस स्टेज का, उस पिक्चर का, उस इमेज का आप डबल कॉपी कर सकते हैं किसे, प्रेस F6 के। सिलेक्ट द पोल स्टार एंड फिल विद येलो कलर, शिफ्ट द पोल स्टार टू आवर्स राइट साइड ऑन द स्टेज, आप उसको येलो कलर से कीजिए या जो भी हो। प्रेस F6 की टू इंसर्ट ए की फ्रेम इन फ्रेम 3, 1, 2, 3 बहुत सारे फ्रेम है अंतर आते हैं उसके। अगेन सिलेक्ट द पोल स्टार एंड फिल ग्रीन कलर, आप ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं। शिफ्ट द पोल स्टार टू आवर्स राइट साइड ऑन द स्टेज, राइट साइड पे स्टेज के राइट साइड में रहता है, इधर क्लिक रहेगा। अगेन सिलेक्ट द पोल स्टार एंड फिल ग्रीन कलर, शिफ्ट द पोल स्टार टू आवर्स राइट साइड ऑन द स्टेज, अगेन प्रेस F6 की इंसर्ट की फ्रेम इन फ्रेम, बार बार F6 का हम यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है आपका दोबारा या तिबारा फ्रेम आ रहा है। नाउ अगेन सिलेक्ट द पोल स्टार एंड फिल ब्लू कलर, शिफ्ट द पोल स्टार टू आवर्स राइट साइड ऑफ द स्टेज, क्लिक ऑन कंट्रोल टेस्ट मूविंग ए प्रीव्यू एनिमेशन, सिमिलरली यू कैन एनिमेशन ए फुल मूविंग। जब जब आपने F6 का काम किया है उसमें कभी रेड, कभी येलो और कभी ब्लू आया है, उनको कलर करने का काम हमने किया है। इस प्रकार से आपका ये एनिमेशन ड्रॉइंग प्रोजेक्ट का काम करेगा और इसमें आपका F6 बटन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, F6 की का, और वो आपका फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3 इस तरह से बनता जाएगा, कलर होता जाएगा। इस प्रकार से आपका ये टर्म 1 के बाद का एक चैप्टर ये आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक्स।